बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम निमरा ज़फ़र। दिस इज़ द वीडियो बाय लीगल कंसेप्ट CSS PMS एंड लॉ। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोज़। आवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट US सेनेट। आज हम पढ़ेंगे US सेनेट के बारे में कि US सेनेट क्या होती है, इसके कितने मेम्बर्स होते हैं और इसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हम इसको क्यों स्टडी करेंगे। टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ़ द सेनेट, कि सेनेट का क्या प्रोसीजर होता है, इनको इलेक्ट किया कैसे किया जाता है, इसके कितने मेंबर्स होते हैं एंड ऑल अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द लेजिस्लेचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज़ कॉल्ड कांग्रेस। कि यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जो लेजिस्लेचर है वो कांग्रेस है, जो कि एक लॉ मेकिंग बॉडी है। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज़ कॉल्ड कांग्रेस बाई कैमरल बॉडी। कि कांग्रेस जो है वो एक बाई कैमरल बॉडी होता है। बाई का मतलब होता है टू, और बाई कैमरल बॉडी मतलब इसके दो हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। द अपर हाउस इज़ कॉल्ड सेनेट। अपर हाउस जो है वो सेनेट है एंड द लोअर हाउस इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो लोअर हाउस है उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। द मेन फंक्शन ऑफ द कांग्रेस इज़ टू मेक लॉज। कि कांग्रेस का जो मेन फंक्शन है वो है लॉ मेकिंग। कि कांग्रेस जो है वो कंट्री के लिए लॉज बनाती है। इट इज़ सिग्निफिकेंट डेट ऑफ द थ्री ब्रांचेज ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज़ मैंशनड फर्स्ट। के लेजिस्लेटिव जो गवर्नमेंट की थ्री ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, उनमें से लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है, लॉ मेकिंग ब्रांच जो है, मतलब जो कांग्रेस है, उसको सबसे पहले मेंशन किया गया है, क्योंकि ये द मेन लॉ मेकिंग बॉडी है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ायर्ड अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। कि जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले जो थे, उनकी ये डिज़ायर थी, वो ये ख्वाहिश रखते थे कि हकूमत जो है वो लॉ की, मतलब हकूमत कानून की होनी चाहिए, इंसानों की नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ कांग्रेस। कि कांग्रेस किस तरह बनती है, इसकी कंपोजिशन कैसे होती है। आर्टिकल 1 सेक्शन 1 ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट कांग्रेस इज़ बाइकैमरल बॉडी। कि आर्टिकल 1 सेक्शन 1 US कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि कांग्रेस जो है वो एक बाइकैमरल बॉडी है, मतलब इसके दो हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज विच आर सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आर्टिकल 1 सेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ सेनेट। अब कंपोजिशन ऑफ सेनेट कैसे होती है, कैसे सेनेट बनती है, इसका हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 सेक्शन 3 बताता है। सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। द सेनेट इज़ कम्पोज ऑफ 100 मेंबर्स। सेनेट के 100 मेंबर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू सेनेटर्स फ्रॉम ईच ऑफ द 50 स्टेट्स। अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं एंड ईच स्टेट में दो सेनेटर्स होते हैं, और जब ईच 50 स्टेट्स में के 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में दो दो मेंबर्स होंगे, तो वो टोटल मिला के बनते हैं 100 मेंबर्स। तो सेनेट के कितने मेंबर्स हुए, 100 मेंबर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डेट नो स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल सफरेज इन द सेनेट। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी देता है कि हर स्टेट जो है वो अपनी कंसेंट के साथ, उनका ये हक है कि वो वोट कर सकते हैं, उनको इक्वल राइट है सफरेज का, मतलब वोटिंग का, और उनको इस राइट से महरूम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म ऑफ सेनेट। कि सेनेट की टर्म कितनी होती है। टर्म का मतलब होता है कि जो सेनेटर्स होते हैं उनको कितने अरसे के लिए इलेक्ट किया जाता है। द टर्म ऑफ सेनेटर्स इज 6 ईयर्स। 6 साल के लिए सेनेटर्स को इलेक्ट किया जाता है, मतलब 100 मेंबर्स जो हैं उनको 6 साल के अरसे के लिए इलेक्ट किया जाता है। बट 1/3 ऑफ देम रिटायर एवरी 2 ईयर्स। लेकिन उनकी जो एक तिहाई अक्सरियत है वो हर 2 साल के अरसे के बाद रिटायर होती है। सेनेट, नेक्स्ट पॉइंट इज सेनेट अ कंटिन्यूस बॉडी। सेनेटर्स आर ऑफन चूज फॉर 6-year terms एंड सिंस 1/3 ऑफ देम एक्सपायर एवरी 2 ईयर्स, ओनली 1/3 ऑफ द सीट्स इन द सेनेट आर कॉल्ड इन ईच कांग्रेसनल इलेक्शन। कि सेनेटर्स जो हैं उनको 6 साल के अरसे के लिए इलेक्ट किया जाता है, और उनमें से 1/3 जो है वो हर 2 साल के अरसे के बाद एक्सपायर होती है।
The Senate is thus a continuous body for 2/3 of its members are always holdovers. 1/3 जो है वो हर 2 साल के अरसे के बाद एक्सपायर हो जाती है, लेकिन जो इसकी 2/3 मेजोरिटी है वो होल्डओवर्स की होती है कि वो रहती है. सो द सेनेट हैज़ बीन इन ऑर्गेनाइज एग्जिस्टेंस सिंस 1789. कि ये जो सेनेट की ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो सेनेट है ये एग्जिस्ट कर रही है इसी तरह कब से, 1789 से. नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इलेक्शंस एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ सेनेटर्स, के सेनेटर्स के जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या उनकी कंपिटेंसी क्या होनी चाहिए और उनके जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, किस बेस पे होते हैं. फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द सेनेटर्स. सबसे पहले आ जाता है एज, के व्हाट शुड बी द एज ऑफ द सेनेटर. He should not be less than 30 years of age, कि वो 30 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए कैंडिडेट. नेक्स्ट पॉइंट इज सिटीजनशिप. ही शुड बी द सिटीजन ऑफ USA फॉर 9 ईयर्स, कि 9 ईयर्स की उसकी सिटीजनशिप होनी चाहिए USA में, कि USA में वो 9 साल के अरसे तक रहा हो. इलेक्शन से पहले का जो 9 साल का अरसा होता है वो उसने अमेरिका में गुजारा हो. नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिडेंस. उसकी जो रिहाइश है उसके बारे में बताया गया है. ही शुड बी एन इनहेबिटेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच ही इज़ इलेक्टेड. जिस स्टेट का वो सेनेटर जो है वो कैंडिडेट होगा, जिस स्टेट का होगा उस स्टेट का वो रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब उस स्टेट का वो इनहेबिटेंट होना चाहिए, वहीं का रहने वाला होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इलेक्शंस ऑफ सेनेटर्स के इलेक्शंस किस तरह होते हैं. तो इसमें हम देखेंगे ओल्ड मेथड, कि ओल्ड मेथड क्या था और अब वाला मेथड क्या है. द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले जो थे, डिसाइडेड दैट सेनेटर्स शुड बी चूजन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स. उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो सेनेटर्स होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे और जो सेनेटर्स वो होंगे वो इलेक्ट कैसे किए जाएंगे. हर स्टेट के अपना स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके थ्रू. एंड दिस मेथड ऑफ चॉइस वाज एम्प्लॉयड अंटिल 1913. और ये जो चॉइस का मेथड था ये 1913 तक चला. व्हेन द पॉपुलर इलेक्शन वाज सबमिटेड फॉर इट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आई, तो उसके बाद पॉपुलर इलेक्शंस हुए. पॉपुलर इलेक्शंस क्या होते हैं कि इस इलेक्शन के थ्रू जो है लोग वोटिंग करते हैं और इलेक्ट करते हैं अपने सेनेटर को. नेक्स्ट पॉइंट है बाय 17th अमेंडमेंट. जब कॉन्स्टिट्यूशन में 17वीं अमेंडमेंट हुई थी, 17th अमेंडमेंट मतलब चेंजिंग जो हुई थी 17th कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग बाय द 17th अमेंडमेंट ऑल पर्सन क्वालिफाइड टू वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिक्लेयर टू बी एंटाइटल्ड टू वोट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर्स. के लोग जो थे वो क्वालिफाइड होंगे वोट के लिए और लोगों के पास वोट जो है उसका हक होगा और वो अपने सेनेटर को इलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सेनेट. प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सेनेट जो है वो कौन होता है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4, मतलब क्लॉज 4 ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन, द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेनेट. कि जो वाइस प्रेजिडेंट होता है अमेरिका का वही जो है सेनेट का प्रेसिडेंट होता है, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है. नेक्स्ट पॉइंट है कमेटी ऑफ सेनेट. कमेटी ऑफ सेनेट मतलब सेनेट की बहुत सारी अलग अलग कमेटीज़ बनाई जाती हैं. हर अफेयर के लिए अलग अलग होती है, हर मसाइल के लिए अलग अलग कमेटीज़ बनाई जाती हैं. सेनेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ कमेटीज़. के सेनेट को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कमेटीज़ में, ईच ऑफ विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द सेनेट. के हर जो उस कमेटी होती है वो अपना एक मखसूस पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसे परफॉर्म करती है. All issues before the Senate are referred to the relevant committee for opinion and advice. कोई भी issue होता है तो वो relevant committee के पास भेजा जाता है. मतलब एक committee का काम है किसी issue को solve करना, तो अगर उस नौयत का कोई issue आता है तो वो उसी committee को refer किया जाता है किसी भी opinion या advice के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेनेट. के पावर्स कौन कौन सी हैं सेनेट की और सेनेट के कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस जो है वो सेनेट परफॉर्म करती है. द पावर ऑफ द सेनेट मे बी क्लासिफाइड एज अंडर. सबसे पहले आ जाता है सेनेट की लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी हैं, लॉ मेकिंग पावर्स कौन कौन सी हैं. इसमें सबसे पहले जो है अमेंडमेंट का पॉइंट आता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस्म की भी चेंजिंग करनी है, अमेंडमेंट करनी है, तो वो उसका जो हक है वो किसके पास है, पावर जो है सेनेट के पास है. द
द सेनेट हैज़ पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, के सेनेट के पास है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस्म के चेंजिंग ला सकती है. सो द सेनेट हैव वेस्ट अमेंडिंग पावर्स, तो ये पावर्स सेनेट को दी गई. नंबर सेकंड पे आ जाता है, इम्पॉर्टेंट बिल्स आर ओरिजिनेटेड इन सेनेट. इम्पॉर्टेंट बिल्स आर ओरिजिनेटेड इन द सेनेट एंड देन रेफर टू द हाउस. सबसे पहले जो है एक बिल जो ओरिजिनेट होता है, निकलता है, बनता है, वो सेनेट से बनता है, उसके बाद उसको नेक्स्ट रेफर किया जाता है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ रिजेक्शन ऑफ बिल्स. अगर किसी बिल को रिजेक्ट करना है, अगर कोई लॉ नहीं बनाना चाहती सेनेट, उस बिल को रिजेक्ट करना है, तो वो उसकी पावर भी है सेनेट के पास. सेनेट हैज़ पावर टू रिजेक्ट अ बिल, इट मे इवन सब्स्टिट्यूट एन इंटायरली न्यू बिल, और उस बिल को रिजेक्ट करके वो एक न्यू बिल भी क्रिएट कर सकती है. नेक्स्ट जो है, हम लोगों ने पहले अब पढ़ ली लेजिस्लेटिव पावर्स क्या थी सेनेट के पास. अब हम पढ़ेंगे कि सेनेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी होती हैं. तो नंबर वन पे हम पढ़ेंगे एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, कि ये प्रेसिडेंट की हेल्प करती हैं कुछ मैटर्स में, और उसके अलावा प्रेसिडेंट को एडवाइस देती हैं, मशवरे देती हैं. द सेनेट प्रोवाइड्स एड्स एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, के प्रेसिडेंट ने जो अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है तो उसमें हेल्प करती है सेनेट. फर्स्ट, अब सेकंड पॉइंट क्या है, हाई अपॉइंटमेंट्स. किसी भी ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट करनी है तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट सेनेट के मशवरे और अप्रूवल के साथ करेगा. ये पावर है सेनेट के पास कि उसका अप्रूवल लिया जाए. ऑल हाई अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट आर सब्जेक्ट टू द कंसेंट एंड एडवाइस ऑफ द सेनेट, के सेनेट की कंसेंट और उसकी एडवाइस के बाद ही अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी. थर्ड पॉइंट इज़ कंट्रोल्स द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. कंट्री की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो इंतज़ामिया होती है, सारा इंतज़ाम होता है, उसका कंट्रोल भी सेनेट के पास होता है. द सेनेट कंट्रोल द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट कौन सी पावर है, इन्वेस्टिगेशन पावर होती है सेनेट के पास. द सेनेट अपॉइंट्स कमिटीज़ ऑन इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग आउट रिजल्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए सेनेट ने एक मखसूस इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाई हुई है. तो ये पावर भी जो है वो सेनेट के पास है. कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनली जो अफेयर्स होते हैं कंट्री के, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उनका जो कंट्रोल है वो भी सेनेट के पास होता है. सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट है इसमें रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़. ट्रीटीज़ हम कहते हैं मुआहदों को, जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनली कोई मुआहदा करती है उसको हम ट्रीटीज़ कहते हैं. नेक्स्ट, और रेटिफिकेशन का मतलब होता है कंसेंट देना, रेटिफाई करना मतलब अपनी कंसेंट देना, मतलब उस पर आमादा हो जाना या अपनी रजामंदी शो करना, इसको कहते हैं रेटिफिकेशन. ऑल ट्रीटीज़ कंडक्टेड इन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट, के प्रेजिडेंट के नाम पर जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं या मुआहदे होते हैं, बट ऑलवेज सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाई सेनेट, लेकिन उसको अप्रूवल कौन देता है, अप्रूव कौन करता है, सेनेट करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन पॉलिसी. सेनेट फ्रेम्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री, के जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी सेनेट बनाती है. नेक्स्ट इज इलेक्टोरल पावर्स, के इलेक्टोरल पावर्स कौन सी होती हैं सेनेट के पास. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेजिडेंट. The Senate decides the vice presidential elections when no candidate gets an absolute majority of votes in the election. जब vice president का election होता है तो उसमें अगर candidate, कोई भी candidate absolute majority जो vote की है वो नहीं gain कर पाता, मतलब जितने vote उसको चाहिए हों अगर वो नहीं gain कर पाता, तो उसके बाद ये power Senate के पास होती है कि वो vice president किसको elect करे या किसे vice president choose करना चाहिए. नेक्स्ट आ जाती हैं जुडिशियल पावर्स, के सेनेट के पास कौन कौन सी जुडिशियल पावर्स हैं. इसमें सबसे पहला पॉइंट है कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी भी ऑफिशियल को उसके ओहदे से बर्खास्त करना. सेनेट इज़ कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट, के इम्पीचमेंट का जो केस होता है वो किस कोर्ट में चलता है, सेनेट के पास होता है. सेनेट इज़ अ कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट एंड अदर हाई ऑफिशियल्स इन अमेरिका, कि अमेरिका के प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट समेत जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, हाई ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी इम्पीचमेंट का केस किस कोर्ट में होता है,
सेनेट के पास होता है, वही उस केस को सुनती है और वही फैसला करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेनेट के मशवरे के साथ होती है, और करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसके अप्रूवल के साथ, सेनेट के अप्रूवल के साथ। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ सेनेट। सेनेट द पावरफुल सेकेंड चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो सेनेट है वो सेकेंड पावरफुल चैम्बर है इन द वर्ल्ड। सेनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल सेकेंड चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड। सेनेट इज़ अ पावरफुल बॉडी, इट हैज़ पावर्स, फंक्शन एंड इन्फ्लुएंस विच आर पोजेस्ड बाई नो अदर सेकेंड चैम्बर इन द वर्ल्ड, के इसके सब्सटीट्यूट कोई और ऐसा नहीं है जो इसकी जगह ले सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉजेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सेनेट, कि सेनेट की स्ट्रेंथ के कॉजेज क्या क्या हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स। सेनेट इज़ ओनली लेजिस्लेटिव ऑर्गन इन द वर्ल्ड, के लॉ मेकिंग पावर है ये, विच हैज़ डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स, जिसको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स भी दी गई हैं। मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स तो उसके पास हैं, लेकिन उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं जो उसकी ताकत में मज़ीद इजाफा कर देती है। स्मॉल मेम्बरशिप, के इसके मेम्बर्स कम हैं, इसके 100 मेम्बर्स हैं। थर्ड पॉइंट इज़ लॉन्ग टेन्योर। टेन्योर का क्या मतलब होता है, टेन्योर का मतलब होता है अरसा कितना होता है, वही जो टर्म ऑफ सेनेट पड़ा है एंड टेन्योर ऑफ सेनेट, इट इज़ द सेम थिंग। द टेन्योर ऑफ द हाउस इज़ लॉन्ग, लॉन्ग सेनेटर्स आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years, के 6 साल के अरसे के लिए सेनेटर्स को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सीनियर पॉलिटिशियंस, के सेनेटर्स जो होते हैं वो सब के सब सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं। द सेनेट कंसिस्ट ऑफ सीनियर पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायरेक्ट इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA हैज़ प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द सेनेटर्स बाय द पीपल ऑफ USA। डायरेक्ट इलेक्शंस का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब ये होता है कि सेनेटर्स को या प्रेसिडेंट या किसी भी बंदे को अगर इलेक्ट करना है तो वो डायरेक्टली बाय वोटिंग होगा, कि जो अमेरिका के लोग होंगे, पीपल होंगे, वही उसको इलेक्ट करेंगे, इसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, के सेनेटर्स जो होते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। द सेनेटर्स हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो बोल सकते हैं, अपनी इजहार राय कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। अ सेनेटर कैन गो ऑन स्पीकिंग फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, जितना टाइम वो लेना चाहते हैं अपनी स्पीच के लिए वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, के वहाँ पर USA में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी ताकत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। देयर इज़ absence of parliamentary government in the USA which makes the Senate more powerful. Next point is court of impeachment, के जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो सेनेट है वो कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट होती है। इम्पीचमेंट का कोई भी केस होता है तो उसे सेनेट ही डील करती है। सेनेट इज़ द कोर्ट फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट एंड अदर हाई ऑफिशल्स इन अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यकजहती, एक होना। द मेंबर्स ऑफ द सेनेट हैव सॉलिडेरिटी एंड ग्रेट यूनिटी विच मेक द सेनेट द पावरफुल, कि सेनेट को पावरफुल क्या चीज़ बनाती है, उनके सेनेटर्स की आपस में यकजहती जो है, यकजहती है या उनके आपस में यूनिटी है, वो उसे मोर पावरफुल बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। द सेनेट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन द USA, कि जो सेनेट है वो अगर सेनेटर्स को लोग इलेक्ट करते हैं तो सेनेटर जो हैं वो लोगों की ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। द सेनेटर्स रिप्रेजेंट्स द स्टेट एज पॉलिटिकल यूनिट बिकॉज मेंबर्स ऑफ द सेनेट आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, कि लोग ही सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं तो वो अपनी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक स्टेट के 2 सेनेटर्स होते हैं, तो कुल मिला के 50 स्टेट के कितने सेनेटर्स बने, 100 सेनेटर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल पावर्स। द सेनेट हैज़ स्पेशल पावर्स विथ स्ट्रेंथ इट वैल्यूज़, किसी के पास ऐसी बहुत सारी स्पेशल पावर्स होती हैं जिससे इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डबल रोल, कि सेनेट जो है वो डबल किरदार अदा करती है। किस तरह, कि सेनेट प्लेज डबल रोल इन USA। मैनी मैटर्स आर सॉल्व बाय सेनेट एंड प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, के कुछ बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको सेनेट और प्रेजिडेंट जो है अमेरिका का वो मिलके सॉल्व करते हैं, ये उसका एक रोल हो गया। एंड मैनी मैटर्स आर सॉल्व बाय द सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो सेनेट अपने दूसरे हाउस, मतलब कांग्रेस के दूसरे हाउस, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर सॉल्व करती है, ये उसका दूसरा रोल हो गया। तो इस तरह जो सेनेट है वो डबल रोल अदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ मेम्बरशिप।
अमेरिकन सेनेट इज़ परमानेंट ऑर्गन, ये एक परमानेंट ऑर्गन है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, सेनेट को ओवरऑल कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इट्स टर्म इज़ 6 years, द सेनेट हैज़ कंटिन्यूस लाइफ एंड इज़ नेवर डिसॉल्व एज अ होल। नेक्स्ट पॉइंट इज कमेटीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द सेनेट इज़ एम्पावर्ड टू अपॉइंट कमेटीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, के सेनेट के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमेटीज़ जो है वो अपॉइंट कर सके, कमेटी बना सके फॉर द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, के मुल्क के अंदर सारा काम हर तरीके से ठीक तरीके से किया जाए, इंतज़ामिया जो मुल्क की है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए या उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है नई कमेटीज़ बनाई जाए। नेक्स्ट पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी, वो तो सेनेट पावरफुल जो है लेजिस्लेटिव बॉडी वो तो है ही। द अमेरिकन सेनेट इज़ टुडे मोस्ट पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल लॉ मेकिंग बॉडी है। इट डज़ नॉट ऑक्यूपाई अ सबॉर्डिनेट एंड सेकेंडरी पोजिशन, की इसकी कोई सेकेंडरी पोजिशन नहीं है, मतलब ये जो सुप्रीम जो है लॉ मेकिंग पावर है। द सेनेट वॉज क्रिएटेड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फेडरेटिंग स्टेट्स ऑफ द USA, के सेनेट जो है वो किस लिए बनाई गई, ताकि लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनकी हिफाजत की जा सके, या लोगों के स्टेट्स के अंदर जो है वो हर चीज़ का तहफ़ कायम कर सके। इट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।